लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुसियन और लिनियन मिलकर यहाँ पे एक बहुत ही बड़े फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे थे, जिसे देखते हुए ली के अंकल कहते हैं कि जल्दी से इन दोनों को रोको, किसी भी हालत में इनका ये फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होना चाहिए। तब हॉन्ग फैमिली के सैनिक आगे आते हुए कहते हैं कि फॉर्मेशन तो कम्प्लीट होके रहेगी, हम भी देखते हैं कि आखिर कौन इन्हें रोकता है। जिस पर अब लुसियन और लिनियन दोनों एक साथ मिलकर जोंग फैमिली के मास्टर के ऊपर अपने इस अटैक को कर देते हैं। तब जोंग फैमिली का मास्टर भी इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो फेल हो जाता है। जिस पर अब इस अटैक की वजह से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और जोंग फैमिली का मास्टर बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। तब मास्टर हॉन्ग अब फॉर्म में आते हुए कहते हैं कि चलो बच्चे अब सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, और इतना कहकर मास्टर हॉन्ग मास्टर जोंग को बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ लेते हैं, जिसके बाद फिर से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। तब थोड़ी देर के बाद जैसे सब कुछ शांत होता है तो हम देखते हैं कि मास्टर जोंग का खेल खत्म हो चुका होता है, जिस पर मास्टर हॉन्ग बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि जोंग फैमिली के लोगों तुम्हारा लीडर मारा जा चुका है, इसलिए अब बताओ सरेंडर करोगे या फिर तुम लोग भी अपने लीडर के पास जाना चाहोगे। तब जोंग फैमिली के सैनिक तुरंत ही हथियार डालते हुए कहते हैं कि हम लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं, प्लीज हमें कुछ भी मत करना, जिसे देखकर ये ली फैमिली का मास्टर कहता है कि तुम लोगों को तो हम बाद में देख लेंगे, और इतना कहकर ये लोग भी यहाँ से भाग जाते हैं। तब लुसियन कहता है चलो विक्ट्री हमारी हुई, जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें चैन फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे लोग लुसियन की जीत से बहुत ही ज्यादा खुश थे और सभी उसके माइंड की बहुत ही ज्यादा तारीफें कर रहे थे। जिस पर इधर हम लुसियन को देखते हैं जो एक स्क्रोल को निकाल के उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा था, और अब लुसियन इस स्क्रोल को खोलते हुए कहता है कि चलो देखा जाए कि आखिर इसके अंदर है क्या। तब इस स्क्रोल के खुलते इसमें से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है, जिसे लुसियन अब कल्टीवेट करने की कोशिश करने लगता है। तब इस स्क्रोल में एक स्पिरिचुअल लोटस भी अपेयर होता है, जिसे फील करते हुए लुसियन कहता है कि आखिर ये है क्या, और अब इस पावर की वजह से लुसियन बहुत ही दूर जाके गिरता है, जिसकी वजह से वो अब बेहोश हो जाता है। तब ये देखकर लुसियन की बॉडी मौजूद नाइन यूजी अब अपने आप से कहती है कि शायद अब मैं इस प्रिजन को ब्रेक कर सकती हूँ, और ये कहकर नाइन यूजी अब अपने रियल फॉर्म में आते हुए इस पिंजरे को ब्रेक करने की कोशिश करने लगती है। मगर तभी यहाँ पे ये ब्लैक पेपर फिर से अपेयर होता है, जो नाइन यूजी को ऐसा करने से रोक लेता है। तब नाइन यूजी कहती है कि आखिर ये किस टाइप का स्पेल है, मैं इसके पावर से सामने हिल भी नहीं पा रही। जिस पर अब यहाँ पे लुसियन आते हुए कहता है कि तुम एक भी मौके को मिस नहीं करती, देखो ऐसा करके तुम खुद को ही हर्ट कर रही हो। तब नाइन यूजी कहती है कि बाशर्ट एक बार बस मुझे यहाँ से निकल जाने दो, फिर मैं तुम्हें किसी चीटी की तरह मसल के रख दूंगी। जिस पर लुसियन यहाँ से जाते हुए कहता है कि छोटी बहरा तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, जब मैं अपने पावर्स को अच्छी तरह से कंट्रोल करना सीख जाऊंगा तो फिर मैं तुम्हें ऑटोमेटिक यहाँ से फ्री कर दूंगा। तब नाइन यूजी कहती है बाशर्ट झूठ बोलना बंद करो, अगर तुम इन पावर्स को कंट्रोल नहीं कर रहे तो फिर कौन कर रहा है। जिस पर लुसियन फिर से अपने होश में आ जाता है और फिर अपने आप से कहता है कि आखिर यह स्क्रोल है क्या, इसके टेक्निक को मैं एक ही बार में कल्टीवेट क्यों नहीं कर पाया। तब लुसियन अब इस स्क्रोल के बगल में रखे हुए एक स्पेशल रूट को उठा लेता है और फिर सीधे इसे खाने लगता है, जिसकी वजह से लुसियन की कल्टीवेशन क्षमता अपने आप ही बढ़ने लगती है। तब लुसियन अब एक बार फिर से इस टेक्निक को कल्टीवेट करने की कोशिश करने लगता है और फिर थोड़ी देर के बाद फाइनली लुसियन इस टेक्निक को कल्टीवेट कर ही लेता है, जिसकी वजह से लुसियन के कमरे में एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देखकर चैन फैमिली के लोग अब बहुत ही शॉक होते हुए कहते हैं कि क्या आखिर लुसियन ने बस कुछ ही पलों में हेवनली लोटस फॉर्मूला को प्रैक्टिस कैसे कर लिया। तब अंकल जाओ कहते हैं कि यकीनन महारानी हमारे यंग मास्टर की हेल्प कर रही है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना ये सब कर पाना लगभग असंभव है। जिस पर अब लुसियन के फादर कहते हैं कि आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, इसीलिए पूरे चैन फैमिली में आज दावत का इंतजाम किया जाए। तब ये सुनकर अब चैन फैमिली के सैनिक भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें यंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग आज किस तरह से हारे वो ली के फादर को बता रहे थे। तब ली के फादर अब हंसते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब लगता है मुझे अपना आखिरी दाव खेलना ही होगा। और अब सीन चेंज होता है, इधर हम लुसियन और टीचर लिन को देखते हैं, जहाँ पर टीचर लिन अब लुसियन को एक पेंडेंट देती हुई कहती है कि इसे संभाल के रखना, ये तुम्हारी मदर का है। जिस पर लुसियन कहता है कि तभी मैं सोचूं कि आखिर इस पेंडेंट से इतनी फैमिलियर फीलिंग क्यों आ रही थी। तब लुसियन के फादर कहते हैं कि वो पेंडेंट मुझे दे दो, मैं इसे लुसियन की मदर को मिस करता हूँ। जिस पर मिस लिन लुसियन के फादर को रोकते हुए कहती है कि ये बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो, मैंने साफ देखा है कि तुम इस पेंडेंट से सिर्फ गोल गोल घुमा के खेला करते हो। तब लुसियन के फादर कहते हैं कि लिन प्लीज कम से कम लुसियन के सामने तो ये सब मत बोला करो। और अब तभी यहाँ पे अंकल जाओ आते हुए कहते हैं कि यंग फैमिली वालों ने एक अर्जेंट कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी है, जिसमें सिटी के सारे लीडर्स को अर्जेंटली बुलाया गया है। तब ये सुनकर लुसियन के फादर कहते हैं कि अब भला ये लोग कौन सी नई खिचड़ी पका रहे हैं। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें यंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सैनिक किसी को देखते हुए कहते हैं कि लो एक और लीडर आ गई। तब ये दूसरा सैनिक कहता है कि ये तो लॉर्ड रूबी है। जिस पर अब हम देखते हैं कि ये लेडी जो की सिटी की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैमिलीज की लीडर में से एक है, ये यहाँ पे पहुंच जाती है। तब इस लेडी को देखकर ये आदमी कहता है कि वाह ये लेडी कितनी सुंदर है। जिस पर ये बगल वाले अंकल कहते हैं कि जरा धीरे बोलो, वरना अगर उसने सुन लिया तो फिर बोलने लायक भी नहीं बचोगे। और अब यहाँ पे लुसियन और उसके फादर भी आ जाते हैं, जिसे देखकर ये लड़की कहती है कि लो ब्रदर लुसियन और उसके फादर भी आ गए। तब लुसियन के फादर अब लॉर्ड रूबी को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि तुम्हें देखे हुए काफी दिन हो गए। जिस पर मिस रूबी बिना कुछ बोले बस एक अटैक को क्रिएट करने लगती है। तब ये देखकर लुसियन के फादर कहते हैं कि लगता है ये अभी भी मुझसे नाराज है। जिस पर लुसियन अब हम लोगों से कहता है कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फादर जब यंग थे तो मिस रूबी उनकी
तरह सुआ करते थे। और फादर की ये बचपन की प्यार वाली कहानी पूरे सिटी में फेमस है। तब लुशियन के फादर अब लुशियन को रोकते हुए कहते कि सारी बातें नॉनसेंस है, मैंने आज तक तुम्हारी मदर के अलावा किसी और लेडी को आंख उठा के देखा तक नहीं। जिस पर अब यहाँ पे क्वीन मिंग और उसे फादर मास्टर मिंग भी आ जाते हैं। तब लुशियन के फादर और मास्टर मिंग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, जिस पर अब मास्टर मिंग कहते हैं कि अब भला इन लोगों की कौन सी नई नौटंकी चालू है। तब लुशियन के फादर कहते हैं कि इन्हें सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, इनके दिमाग में फिर से कोई गोबर भरा आइडिया ही चल रहा होगा। जिस पर अब यहाँ पे लीके सेकंड अंकल आते हुए कहते हैं कि तुम लोग ऐसे अंदर आ जाओगे या फिर हम लोग आरती की थाली लेकर बाहर आए। तब लुशियन के फादर हंसते हुए कहते हैं कि जोक तो काफी अच्छा था, लेकिन अगर ले आते तो और अच्छा होता। जिस पर लीके अंकल अब अंदर जाते हुए कहते हैं कि बकवास बंद करो और चुपचाप अंदर आओ, आधे घंटे से सब लोग तुम ही लोगों का वेट कर रहे हैं। और अब सीन चेंज होता है और हमें यंग फैमिली के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सीडी मौजूद सारे फैमिली के लीडर अब इकट्ठा हो चुके होते हैं। जिस पर अब लीके फादर कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में सिटी की रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा घट चुकी है, दूसरे सिटी की तुलना में हमारे सिटी के लोग बहुत ही पीछे रह चुके हैं, चाहे वो पावर से मामले हो या फिर पैसों के मामले में। इसीलिए मेरे ख्याल से अभी सिटी को एक बॉस लीडर की जरूरत है जो इस सिटी के रेपुटेशन को फिर से ऊंचा कर सके। इसके साथ ही बॉस लीडर इस सिटी में मौजूद एक एक फैमिली की बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा, जैसे कि वो उसकी खुद की फैमिली हो। तब लुशियन कहता है कि अंकल जी आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अब आप ही सारी फैमिलीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। जिस पर लीके फादर कहते हैं कि बकवास बंद करो, ये सिटी की भलाई के लिए है और मेरी यंग फैमिली ही है जो इस सिटी को आगे बढ़ा सकती है। तब एक फैमिली के लीडर कहते हैं कि मिस्टर भाई अगर मुझे पहले ही पता होता कि तुम इस काम के लिए हमें बुला रहे हो तो मैं अपना काम धाम छोड़ के कभी भी यहाँ पे नहीं आता, कोई भी फैमिली कभी भी तुम्हें अपना लीडर चूज नहीं करेगी। जिस पर लीके फादर कहते हैं कि वेल मैं चैन फैमिली और मिंग फैमिली की भी राय जानना चाहूंगा। तब लुशियन के फादर कहते हैं कि इतनी घटिया बात के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, अच्छा वो मेरे हाथ में गोबर नहीं है वरना मैं तुम्हें फेंक के मार भी देता। जिस पर मास्टर मिंग भी कहते हैं कि मेरा भी सेम ही है। तब ये सुनकर लीके फादर अब कुछ फैमिलीज को इशारा करते हैं, जिस पर ये फैमिली जब डर के मारे लीके फादर की बातों से सहमति जताते हुए उनके सपोर्ट में बोलना शुरू कर देते हैं, जिसे सुनकर ये लीडर अब बहुत ही गुस्से में कहता है कि मुझे ये बकवास नहीं सुनने, मैं इस लीडर वाले फैसले के सख्त खिलाफ हूँ। और इतना कह के ये लीडर यहाँ से जाने लगता है। तब लीके फादर इसके सामने अटैक करते हुए कहते हैं कि कोई भी अब यहाँ से नहीं जाएगा जब तक ये सारे लोग मेरे इस फैसले से एग्री नहीं हो जाते, जिसे सुनकर ये आदमी अब बहुत ही गुस्से में कहता है कि तुम्हारी तो मैं। और इतना कहते ये आदमी सीधे लीके फादर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिस पर लीके फादर अब हंसते हुए कहते हैं कि पिताजी अब आपकी बारी है। तब इतना कहते हम देखते हैं कोई पर्सन अब दीवार तोड़ के एंट्री मारता है और फिर इस आदमी को एक इतना पावरफुल किक मारता है कि जिसकी वजह से आदमी लगभग अधमरा हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि लीके ग्रैंडफादर है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।